हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नंबर क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर दी बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, जिसकी हम 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। आज 5.3 एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 तक हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। दिल्ली पुलिस का हो, UPSI का हो, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती हो, ठीक है, जब मैं ये बुक पूरी करा दूँ आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, फिर आकर मुझे कमेंट कर देना नीचे के, सर ये क्वेश्चन मुझसे छूट गया था, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ठीक है। तो अगला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे बिलेट रिलेशन, ठीक है। बिलेट रिलेशन आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, जिंदगी में आज तक आपने यूट्यूब पर नहीं पढ़ा होगा, जब पढ़ के देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद कोई सी बुक से क्वेश्चन लगाना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बुक में जो है हर टाइप का क्वेश्चन कवर किया गया है, ठीक है। और मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। बहुत यूट्यूबर क्या करते हैं, एक ही वीडियो बना देते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, या दो वीडियो बना देते हैं, ठीक है, उसमें ही कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर देते हैं। बहुत सारे टाइप आपसे कवर नहीं हो पाते और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है। तो आप, मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC CGL 2013 में, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, यदि इतने को इतना में कूटवत किया जाए तो लाइट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखेंगे पहले नियम क्या लगा है इसमें। तो पहली वीडियो नहीं देखे तो हम वहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि मैंने सारे तरीके बता दिए हैं क्या क्या तरीके लग सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। यहाँ पर देखेंगे LED ER, ठीक है। इसको क्या लिखा था, 20, L को 20, E को 13, A को 9, D को 12, E को 13, R को 26, ठीक है। तो इसने पूछा है LIGHT को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे रूल क्या लगा है, पहले रूल देखेंगे, यहाँ पे क्या लगा है इसमें, ठीक है। तो हमने देखा L से 20 हुआ, ठीक है। L मतलब L कितने नंबर पाता है, आप बोलोगे सर 12 नंबर पाता है, 12 से 20 हुआ, इसका मतलब 8 ऐड हुआ है, ठीक है। कितना ऐड हुआ है, 8। यहाँ पे E से 13 हुआ है, E कौन सा नंबर पाता है, आप बोलोगे 5 नंबर पाता है, इसका मतलब कितना ऐड हुआ है, 8 ऐड हुआ है इसमें, ठीक है। सब में 8 ऐड हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो प्रत्येक में क्या ऐड हुआ, 8 ऐड हुआ है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे भी ये रूल फॉलो करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 8, कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे। L कितने पाता है, 12 पर, 12 में 8 ऐड करेंगे, कितना है, 20, फिर, ठीक है। फिर इस तरीके से हमें करके लिखना है, जिस तरीके से हम आंसर मिल रहा है, ठीक है। I कितने पाता है, I कितने पाता है, 9 पर, 9 में 8 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 17। हमें यहीं से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हमें ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि 20-17 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। शुरू में 20-17 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो एक ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टाइम बचाने की सबसे अच्छी ट्रिक है, ठीक है। आप कर सकते हो आगे भी, आगे कर सकते हो आप। 7 पे आता है जी, 7 में 8 जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 15। आप आगे कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 28। तो इस तरीके से हमारा पूरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पे आया हुआ क्वेश्चन है SSC CGL 2013 में। एक कूट भाषा में लंदन को इतना लिखा गया है तो उसी कूट भाषा में फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल आसान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक लग सकती है, तो हमको सारे तरीके आने बहुत जरूरी हैं। देखेंगे यहाँ पे LONDON, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 24, इसको क्या लिखा जाता है, 30, N को कितना लिखा जाता है, 28, D को कितना लिखा जाता है, 8, O को कितना लिखा जाता है, 30, N को कितना लिखा जाता है, N को लिखा था 28, ठीक है। तो इसने पूछा है F R
एन सी ई को क्या लिखाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा, आपको देखते पर चल गया होगा, मैंने कहा ना कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आप एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो जब स्क्रीन पर क्वेश्चन आएंगे ना, जब आप एग्जाम दे रहे होगे ऑनलाइन, एग्जाम देते देते आप जब स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा देखते ही क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है, देखते ही क्वेश्चन लगाओगे। आपने देखा एल को 24 लिखा गया है, इसका मतलब एल 12 नंबर पर आता है, 12 का दोगुना करके 24 लिख दिया, ठीक है। आपने देखा ओ कितने नंबर पर आता है, 15 पे, 15 का दोगुना करके 30 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एन कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर, 14 का दोगुना करके 28 लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब जो उनकी प्लेस वैल्यू थी, उनकी प्लेस वैल्यू को दोगुना कर दिया, ठीक है। यहाँ पर डी कितने नंबर पर था, चौथे नंबर पर, तो डी को कितना लिख दिया, 8 लिख दिया। ओ कितने नंबर पर था, 15 नंबर पर, 15 को क्या लिख दिया, 30 लिख दिया। एन कितने नंबर पर था, 14 नंबर पर, तो 14 को कितना लिख दिया, 28 लिख दिया। हम यहाँ पर भी जो रूल हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं वही रूल आगे फॉलो करेंगे। एफ कौन से नंबर पर आता है, आप बोलोगे एफ आता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर, तो 6 का कितना हो जाएगा, 12, मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार R कितने नंबर पर आता है, आप बोलोगे R कितने नंबर पर आता है, R आता है कितने, 18 पे, 18 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 36 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहीं से भी आंसर बता सकते हैं, 12 36 जिसके शुरू में वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप पूरे को चेक कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, सबके दोगुने कर दो, ये एक नंबर पर आता है इसका दोगुना कर दो, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे भी आप कर सकते हो, एन का कितना कर दोगे, एन का 28 कर दोगे, ठीक है। उसी प्रकार सी का कर दोगे 6 और ई का कितना कर दोगे, 10 कर दोगे, ठीक है। पूरा भी आप कर सकते हो, पर मैं तो आपको टाइम बचाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम आज के टाइम में जो टाइम बचा लेता है उसका सिलेक्शन पहले होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और कुछ नहीं आता, प्रैक्टिस जितनी आपकी उतनी आसानी से आप क्वेश्चन बना पाओगे। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कितना भी इजी क्वेश्चन हो आप उसमें ही इलझ जाओगे और बना नहीं पाओगे। यहाँ पर देखिए कि सांकेतिक भाषा में होटल को 300 लिखा जाता है, तो इसको कितना लिखा जाएगा। आपने देखा एच ओ टी ई एल, होटल कितना लिखा जाता है, 300। अब आपको देखना होटल को 300 लिखा किस प्रकार गया होगा। पहले सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इनकी नंबरिंग कर लेनी है। एच किस नंबर पर आता है, आप बोलोगे 8 नंबर पर। मैं बोलूँगा ओ कितने पर आता है, आप बोलोगे 15 नंबर पर। मैं बोलूँगा टी, आप बोलोगे 20 नंबर पर। मैं बोलूँगा ई, आप बोलोगे 5 नंबर पर। बोलूँगा एल, आप बोलोगे 12 नंबर पर, ठीक है। ये सब ने कर लिया। एक बात तो मेरे दिमाग में, इन्हें सबको कुछ भी करो 300 लाना है, ठीक है। गुणा करो, भाग करो, किसी भी तरीके 300 बनाना है, ठीक है। जो रूल इसमें फॉलो करेंगे वही रूल फिर हमें आगे फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखा, अगर हम इनके सबकी मल्टीप्लाई करते हैं 8 की, 15 की, 20 की, 5 की और 12 की, तो 300 से काफ़ी अधिक हो जाएगा, ठीक है। 300 से काफ़ी अधिक हो जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या करा, मैंने इनको सबको ऐड कर दिया 8, 15, 20, 5 और 12 सबको ऐड जब करा मैंने, तो मेरा ऐड करके कितना आया, मेरा ऐड करके आया कितना, 60। कितना आया, 60। और लाना कितना था, मुझे बनाना कितना था, 300। इसका मतलब मैंने क्या करा, जितने अक्षर थे 1, 2, 3, 4, 5 उतने से मल्टीप्लाई कर दी, 6 × 5 = 30। इसका मतलब जितने अक्षर थे उनसे मल्टीप्लाई कर दी। पहले क्या करा मैंने, पहले उनकी प्लेस वैल्यू जोड़ ली, फिर प्लेस वैल्यू जोड़ने के बाद जितने अक्षर थे उनसे मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरा आंसर मिल गया है, ठीक है। अब मैं देखूंगा यहाँ पर अगर मैं ये रूल अपना अप्लाई करता हूँ तो क्या मुझे आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जब भी आपके पक्का होगा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, तो मैं कहता हूँ जितनी मैं वीडियो बना रहा हूँ सारी देख लो और किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, किसी भी एग्जाम में, ठीक है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। तो कितना आया, 300 आया। अब मैं आपको मिटा के दिखाता हूँ इसे, और इसको हम सोल्व करते हैं। अब हमने देखा बी ओ आर ई, ठीक है, हमें इसको बताना है। पहले क्या करना है, हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, 2, 15, 18, 5, ठीक है, लिख ली। अब क्या करना था, इन्हें ऐड करना था, ऐड करा इनको, कितना आ गया, ऐड करके कितना आया, तो आप बोलोगे कितना आया, 15 × 2 = 17, 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40, कितना हो जाएगा, 40।
40। और हमने क्या करा था पिछले क्वेश्चन में, हमने देखा था जितने वो अक्षर थे, जितने अक्षर थे उनसे मल्टीप्लाई कर दी थी जो उनको ऐड करके आया था। तो मैंने देखा 1, 2, 3, 4 कितने अक्षर हैं, 4। तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 16 = 160। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 160। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और दोस्तों के साथ शेयर किया करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो और जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, जो व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, जहाँ भी कर सकते हो शेयर किया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, यदि कि सांकेतिक भाषा में जापान को इतना लिखा जाता है, जापान को इतना लिखा जाता है, ठीक है, तो इंडिया को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम देखेंगे किस प्रकार इसको लिखा गया है, जे ए पी ए एन, ठीक है। जापान को कितना लिखा जाता है, 9 0 0 13, ठीक है। उसी प्रकार इसने पूछा है आई एन डी आई ए, ठीक है, इसको क्या लिखाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन अगर थोड़ी भी आपने प्रैक्टिस किया, अगर थोड़ी भी आपके दिमाग में माइंड में जान है, ठीक है, जिसे कहते हैं आपका आपका माइंड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट अगर आपका क्वेश्चन पे है, तो आप इन क्वेश्चन को विद इन सेकेंड लगा दोगे, ठीक है। आपने क्या देखना है, कोई रूल फॉलो नहीं करना, साफ दिखाई दे रहा है। आपने देखा सर जे 10 नंबर पर आता था, 10 में से एक करके 9 लिख दिया। आपने अगले वाला देखा सर ए 1 नंबर पर आता है, 1 में से 1 माइनस करा 0 लिख दिया। पी 16 नंबर पर आता है सर, 16 में से 1 माइनस करा 15 लिख दिया। आप बोलो सर ए 1 नंबर पर आता था, 1 में से 1 माइनस करा 0 लिख दिया। एन 14 नंबर पर आता था, 14 में से 1 माइनस करा 13 लिख दिया। मैंने कहा हाँ ठीक है, रूल लग रहा है, फॉलो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आई कौन से नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है, इसका मतलब 9 में से 1 माइनस करें कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और यहाँ पे एन कौन से नंबर पर आता है, बोलोगे 14, तो इसे क्या लिखूंगा मैं, 13 लिखूंगा। फिर डी कौन से नंबर पर आता है, बोलोगे सर 4 नंबर पर आता है, इसे भी क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसे क्या लिखेंगे, आई कितने नंबर पर आता है, आई आता है 9 नंबर पर, इसे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ए को क्या लिखेंगे, 1 नंबर पर आता है, इसे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 813380, ठीक है। किस ऑप्शन में है ये, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि जब आप बताओगे जब ही मुझे पता चलेगा मैं वीडियो अच्छी बना रहा हूँ या सही नहीं बना रहा, ठीक है। किस तरीके की वीडियो बना रहा हूँ और किस टाइप की आप वीडियो चाहते हो, किस चैप्टर की वीडियो चाहते हो और किस तरीके से आप वीडियो चाहते हो, सारा कमेंट करके बताया करो, जब ही मुझको पता चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, यदि कि सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है ये भी, यहाँ पे देखेंगे जी ई सी ए, ठीक है, इन्हें कह सकते हैं बोनस नंबर, कह सकते हैं इनको फ्री के नंबर, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और एकदम आसानी से नंबर मिल जाते हैं हमें, ठीक है। आप देखो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा भी नहीं क्वेश्चन नहीं आए हुए, सारे क्वेश्चन आए हुए, ये क्वेश्चन भी आए हुए SSC MTS 2012 में। बहुत अच्छे अच्छे लड़कों से नहीं होते ये क्वेश्चन, अगर जिसने प्रैक्टिस नहीं की है तो उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आपने क्वेश्चन नहीं देखा हुआ इस टाइप का, तो आप कैसे बना दोगे, ठीक है। तो आपने देखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। तो आपने अगले क्या देखना है, हम फिर इसे क्या लिखा जाता है, 8 6 4 2, ठीक है। तो आपने बताना है एच एफ बी डी को क्या लिखाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, डायरेक्ट ही आपको पता चल रहा है सर जी 7 नंबर पर आता है, 7 को 8 लिख दिया, 1 ऐड करा है। ई 5 नंबर पर आता था, 1 ऐड करा 6 लिख दिया। सी 3 नंबर पर आता था, 1 ऐड करा 4 लिख दिया। ए 1 नंबर पर आता है, 1 को 1 ऐड करा 2 लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब सभी में क्या करा गया है, 1 ऐड करा गया है, ठीक है। सभी में क्या करा गया, 1 ऐड करा गया है। अब जब आप 1 ऐड करोगे कितना लिखोगे इसे, 9। इसे कितना लिखोगे, 6 में 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 7 3 5 9 7 3 5 किस ऑप्शन में, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। SSC कॉन्स्टेबल 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो इसने पूछा इसको क्या लिखा जाएगा, इसे भी करेंगे हम आसानी से बिल्कुल, एच ए सी बी, ठीक है इसको क्या लिखा जाता है, एट, मुझे लगता है आप खुद ही क्वेश्चन बना रहे होगे, ठीक है मुझे इतने लिखने में टाइम लगता है, इतना आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, डी ई एफ ए, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो मैंने देखा एच क्वेश्चन नंबर पर था 8, ए क्वेश्चन नंबर पर था 1, सी क्वेश्चन नंबर 3, बी क्वेश्चन नंबर पर था 2, तो हमने देखा जो उनकी प्लेस वैल्यू थी उसने वही लिख दी, ठीक है जो उनकी प्लेस वैल्यू थी, जो नंबर की प्लेस वैल्यू थी उसने वही सेम लिख दी, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी करेंगे, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती 4, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती 5, इसकी कितनी होती 6, इसकी कितनी होती 1, तो हमने देखा 4, 5, 6, 1 किस ऑप्शन में है, 4, 5, 6, 1 किस ऑप्शन में है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाई को इतना लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसमें भी क्वेश्चन नंबर 30 की तरह, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो रही है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपके पास रफ करने के लिए बुक है, रफ करने के लिए है, तो ठीक है आप वहीं पर क्वेश्चन लगा रहे होगे, एकदम आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो रही होगी, तो आपको जरूरत भी नहीं है रीजनिंग की, ठीक है बस क्लास देखे जाओ और कहीं से रीजनिंग नहीं पढ़ोगे तब भी आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन करवाओगे, ठीक है। अगर वीडियो देखते हो ओनली तब भी, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन इतने कराता हूँ, पूरी बुक करा रहे हैं, तो पूरी बुक का मतलब है कि हमने पूरी बुक कंप्लीट कर ली, ठीक है। पूरी बुक कंप्लीट कर ली तो अब जरूरत ही नहीं किसी चीज़ की। तो हमने देखा यदि किसी सांकेतिक भाषा में एच आई जी एच, इसको क्या लिखा जाता है, 8, 9, 7, 8, ठीक है आप डायरेक्ट ही समझ गए होगे, इतने तो आप सीख ही गए हो, बी ई ई एफ, ठीक है इतना तो आप जानते हो, कितने इजी क्वेश्चन, इतने भी इजी नहीं होंगे तो क्या होगा, ठीक है। आपने देखा इनकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है, ठीक है प्लेस वैल्यू लिखी गई इनकी, एच 8 नंबर पर था 8 लिख दिया, आई 9 नंबर पर 9 लिख दिया, जी 7 नंबर पर 7 लिख दिया, एच 8 नंबर पर 8 लिख दिया, इसका मतलब इनकी प्लेस वैल्यू लिखी जाएंगी 2, 5, 5, कितना 6, इसका मतलब 2, 5, 5, 6 जिस ऑप्शन में वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है पर मुझे तो सारी बुक करानी है तो मुझे तो कराने पड़ेंगे, ठीक है। तुम क्या करते हो, बीच में वीडियो छोड़कर मत जाया करो प्लीज़, ये 20 से 30-40 मिनट की वीडियो होती है, इसे तो पूरा देख लिया करो, हो सकता है 2 क्वेश्चन के बाद अच्छा क्वेश्चन आ जाए जो तुमसे बने नहीं और वही क्वेश्चन एग्जाम में मिले, ठीक है तो ऐसा भी हो सकता है ना, तो वीडियो को लास्ट तक देखा करो लास्ट तक, ठीक है। यदि कि सांकेतिक भाषा में हाई को इतना लिखा जाता है, क्योंकि पूरी बुक करा रहे हैं तो बुक में कोई भी क्वेश्चन कहीं भी हो सकता है, और मुझे तो पहले क्वेश्चन से लेकर चलना है तो लास्ट क्वेश्चन तक चलना है, तुम्हें सारे क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, क्या इजी आओ पहले क्या हार्ड आओ, तो मुझे तो उस तरीके से चलना होता है, ठीक है। यदि हाई को इतना लिखा जाता तो इसको क्या लिखा जाएगा, हमने देखा इसको बिल्कुल पिछला वाला रूल है, एच आई जी एच, ठीक है इसको कितना लिखा जाता है, 8, 9, 7, 8, तो इसने पूछा है डी ई ए एफ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है UPSC में आया वो क्वेश्चन है प्री में, ठीक है। तो आपने देखा ये इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी, एच की 8 थी, आई की 9 थी, जी की 7 थी, एच की 8 थी, इसका मतलब एच कौन से नंबर पर था, 8 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, जी 7 नंबर पर, एच 8 नंबर, इनकी इसका मतलब इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी ये रूल फॉलो करेंगे, डी की प्लेस वैल्यू कितनी है, डी कौन से नंबर पर था, 4 नंबर पर, ई कौन से नंबर पर था, आप बोलोगे 5 नंबर पर, ए कौन से नंबर पर था, 1 नंबर पर, ठीक है, एफ कौन से नंबर पर था, आप बोलोगे 6 पर, ठीक है। तो 4, 5, 1, 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4, 5, 1, 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, यदि कि सांकेतिक भाषा में SSC, देखो SSC का क्वेश्चन है और SSC इसने दे दिया, SSC FCI में आया क्वेश्चन है 2012 में, इसने बोला है SSC को लिखा जाता है SSC, इसको लिखा जाता है 19, 19, 3, ठीक है। तो इसने बोला BBC, ठीक है, S मतलब 19 नंबर पर,
एस मतलब 19 नंबर पर, सी मतलब 3 नंबर पर, ठीक है। इसका मतलब इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है, इसका मतलब इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो बी की प्लेस वैल्यू 2, बी की प्लेस वैल्यू 2, सी की प्लेस वैल्यू 3, तो 2, 2, 3 किस ऑप्शन में है, ठीक है, 2, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो जो भी मैं बुक पूरी कराऊंगा, ठीक है, जो भी चैप्टर मैं शुरू करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34, यदि कि सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो कोबरा को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, जेबरा को इतना लिखा जाता है तो कोबरा को क्या लिखा जाएगा। हमने देखा जेड ई बी आर ए, ठीक है, जेबरा को कितना लिखा जाता है, 26, 5, 2, 18, 1, ठीक है, ए लिखा जाता है। तो इसने पूछा सी ओ बी आर ए को क्या लिखा जाएगा। आपने देखा सर, जेड 26 नंबर पर आता है, इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी, ठीक है, ई 5 नंबर पर आता है, इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी, बी 2 नंबर पर आता है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, आर 18 नंबर पर आता है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, ए 1 नंबर पर आता है, इसकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। तो हम जो रूल यहाँ पर फॉलो करते हैं वही हमें अगले में फॉलो करना होता है, ठीक है। आगे हमने फॉलो करना है सी कौन से नंबर पर आता है, सी की प्लेस वैल्यू 3, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है, 15। हम यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आप पूरा करना चाहते हो पूरा भी कर लो, बी की प्लेस वैल्यू 2, आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की प्लेस वैल्यू 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 1, 5, 2, 1, 8, 1, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, यदि कि सांकेतिक भाषा में मद्रास को इतना लिखा जाता है तो इसने बोझा कलकत्ता को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है यहाँ पे क्या रूल फॉलो हुआ है। हमने देखा जो हमने यहाँ पे लिखा एम ए डी आर ए एस, ठीक है, मद्रास को क्या लिखा जाता है, 56। पहले क्या देखना है, पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, मैंने बताया था 13, 1, 4, 18, 1, 19, ठीक है। सबसे पहला काम इन्हें जोड़ के देख लो, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा, 13, 1, 4, 18, 1, ठीक है, इन सबको जब जोड़ा तो मैंने जोड़ा तो देखा मैंने ये जोड़ के कितना आएगा, 56। इसका मतलब जो इनकी प्लेस वैल्यू उनको जोड़ के लिखना है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो इनकी प्लेस वैल्यू होगी उन्हें जोड़ के लिखना है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम आगे यही नियम फॉलो करेंगे। कलकत्ता में भी हमने देखा सी यू एल सी यू डबल टी ए, ठीक है, हमने देखा कितने नंबर पर आता है, सी आप बोलोगे 3 नंबर पर, यू आप बोलोगे 21 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, यू 21, टी 20, 20, 1, ठीक है, आप जोड़ तो सकते हो ना, ठीक है, प्लस करना है सबको, बस प्लस करना है, ठीक है। जब आप इनको प्लस करोगे तो आप क्या देखोगे कितना आएगा जोड़ के, 81, ठीक है, आप जोड़ सकते हो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी है तो जहाँ भी आप फेसबुक ग्रुप हो, कोई सा भी ग्रुप हो, ट्विटर कहीं भी हो, ठीक है, वहाँ पर शेयर जरूर किया करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से, कल बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है।